हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है, थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है हमारे लिए। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसी तरह की वीडियोज़ दी जाती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है O2 अणु का आणविक ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है जो हमारा O2 अणु होता है उसका आणविक ऑर्बिटल डायग्राम दिया गया है। तो O2 मतलब ऑक्सीजन जो है आपका, इसका ऑर्बिटल डायग्राम आपके सामने दिखाई दिया गया है, थ्योरी भी दी गई है। तो देखते हैं जो आज का टॉपिक है, यानी ऑक्सीजन अणु के प्रत्येक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी एक ऑक्सीजन में हैं कितने होंगे, एक ऑक्सीजन अणु में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे। तो O2 है तो कितने हो जाएंगे, 8 × 2, तो टोटल कितने हुए, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 16 अणु हुए। तो O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 सिग्मा, 1s2, 1s2, 2s2, ट्वाइस s2 सिग्मा, 2pz। तो यहाँ पे दिया है पाई, 2px, पाई rpy, ठीक है। इस तरह से हम इनको डिनोट्स करते जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पे देखिए, एक हमारे सामने एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं। देखिए, तीन स्टेप्स में ये डायग्राम पूरा हुआ। ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपका एनर्जी लेवल को शो करता है। देखिए यहाँ पे 2px² py1 और pz। यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप देखिए, 1, 2 और यहाँ पे 2 कक्षक हैं, यहाँ पे आपके 3 कक्षक हैं जिनमें कि 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। कितने हुए, 4 और 2 6, 6 और 4 आपके 10 हो गए, ठीक है। 10 और 4 कितने हुए आपके, 14, और 2 ये 16। तो इस प्रकार से जो O2 अणु का डायग्राम है, ठीक है, इस तरह से इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल मिला करके यहाँ पे O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 16 इलेक्ट्रॉन। तो इस डायग्राम से आपको 16 इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। दूसरा और इसी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो आगे स्टेप है दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्वाइस s2, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे सिग्मा स्टार यहाँ पे भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ट्वाइस s2 यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं सेकंड डायग्राम से। जब 8 इसमें हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन इस वाली स्ट्रक्चर में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हैं, आपका पाई स्टार 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर से आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन का जो आणविक ऑर्बिटल है, एक ऊर्जा स्तर आरेख इस प्रकार से आपको दिया गया है, एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर आरेख, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ऊर्जा, ऑक्सीजन का ऊर्जा स्तर आरेख कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के विन्यास के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन बंधी ऑर्बिटलों में और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विपरीत बंधी ऑर्बिटल्स में होते हैं। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार जो बताया गया, जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बंधी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। किसमें होंगे, बंधी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत बंधी ऑर्बिटल्स में होते हैं, विपरीत बंधी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे ये शो किया गया कि 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बंधी ऑर्बिटल में होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो विपरीत बंधी ऑर्बिटल में होंगे, इसलिए इनकी जो आबंधन कोटि होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं O2 मॉलिक्यूल के अंदर। देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसका n₀ - na/2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 दिए हुए हैं, यानी आपके ये 8 जो दिए हुए हैं ये बंधी इलेक्ट्रॉन हैं, और जो 4 हैं आपके
ये विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन अपॉन टू, तो 4 - 8 - 4 = 4/2, 2 = 4। तो यहाँ पे जो इनकी आबंध कोटि होगी, बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो आपका 2 होगा। तो O2 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से देख लेते हैं, O और O, ठीक है, पाई अपॉन और सिग्मा, यानी पाई और सिग्मा से इन दोनों को डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार लगातार नई नई वीडियोज़ मिलती रहती हैं। लगातार हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ जुड़े रहिए।